तो भाई की जो बेटी है यानी मेरी बड़ी भतीजी, उसने गिफ्ट लेके आई है भाई के लिए, तो देख सकते भैया। वालेकुम सलाम, आज मेरे भाई का बर्थडे है और दुआ करिए आप लोग सभी। सब तरफ प्रैंक करूंगी, ये रहा खाली बॉक्स। थोड़ा बर्थडे के दिन भी उसको सताना बहुत जरूरी है ना, इसलिए मैं सोच रही आज भाई को थोड़ा प्रैंक करूंगी। ये बॉक्स है इसमें भरूंगी ये वाला, भाई वीडियो बाद में देखेगा तो बहुत गुस्से में आ जाएगा। शिपा मजा आएगी क्या? मजा आएगी। तो गाइस आज मैं सोची भाई को थोड़ा मजाक करूँ भाई के साथ, भाई को भी अच्छा लगेगा ना। थोड़ा अच्छी तरह से पैकिंग करूंगी बर्थडे वाले दिन में, तो यही भाई के साथ मजा आएगा करने के लिए। तो कुछ इस तरह से पैक करके ये भी डाल देती हूँ। बहुत अच्छा गिफ्ट मेरी बहन ने दिए, मजा आएगा आज तो भाई को। मैं बर्थडे के दिन आज तो प्रैंक करूंगी उसके साथ। हे माय वाइटी फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो चैनल को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि बिकॉज मैंने सोचा था ना भाई के लिए कुछ अच्छे से लूँ, और भाई ये देखकर शॉक जरूर हो जाएगा कि इतना अच्छा गिफ्ट मैंने उसे दिया है कि उसका दिल इतना खुश हो जाएगा कि हर साल बर्थडे में मुझे जरूर याद रखेगा मेरा भाई कि क्या गिफ्ट उसकी बहन देती है। अरे एक ही बड़ा भाई अपना, फिर छोटा भाई है, तो इतना तो प्यार बनता है अपने भाई के लिए। क्या बोलते शिफा, आजा। ये मेरी भतीजी शिफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो इसने देखी आज गिफ्ट कितनी अच्छी तरह से मैंने भाई के लिए पैकिंग कर तो दी हूँ, अब भाई खोलेगा। अब चलते हैं, रेहान तैयार हो रहा है फटाफट, तो निकलते हैं। एक और लेना था भाई को गिफ्ट, इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगी जब भाई को बर्थडे होने के बाद, इंशाल्लाह भाई जब इसे खोलेगा उसके बाद दिखाऊंगी। तो चलो निकलते हैं जल्दी जल्दी। तो चलो अभी निकलती हूँ, रेहान तैयार हो गया है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह देखिए वही वाला फेदर वाला पहना है। चलिए निकलते हैं हम। तो गाइज निकलते हैं अभी भाई के बर्थडे के लिए। मैं पहले जाऊंगी मार्केट में भाई के लिए एक और गिफ्ट लेने के लिए। रेहान तैयार हो गया है पहले। वालेकुम सलाम। मस्त माशाल्लाह फेदर वाले कपड़े पहना है। चलो चलते हैं, पहुंचती हूँ मैं पहले मार्केट जाती हूँ, इनको आधे में से उतार देती हूँ। तो सबसे पहले रियान को और भतीजी को ऑटो से मैंने उतार दिया, फिर मैं आगे चले गई मार्केट। मार्केट में आप देख सकते हो संडे बाजार था। यहाँ पर मैंने टी शर्ट देखा जो वाइट और ये येल्लो टाइप में कुछ रेड टाइप में भी मिक्स था, तो ये मुझे बहुत पसंद आया, तो ये मैंने पैकिंग करवाया भाई के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, और भाई के ऊपर सूट भी करेगा। फिर मैं आगे गई, भाभी ने मुझे फ़ोन करके बोले कि केक का ऑर्डर करवाना था इसलिए, तो मैं आ गई हूँ केक शॉप पर। तो भाभी को मैंने पूछा कि कौन सा वाला करूँ, तो भाभी ने कहा तुम्हें जो पसंद आए उस हिसाब से, तो ये मैंने चॉकलेट वाला पसंद करके फाइनली मैं आ गई हूँ घर पे। अस्सलाम वालेकुम। आ गई मैं भाई के घर, अब्बा यहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम। ये मेरी अम्मी, अम्मी को सब लोग याद कर रहे थे कमेंट में, कहा है अम्मी का है। तो अम्मी भी ठीक है, अभी कैसे भाई को, अभी बारिश हो रही थी तो ये वजह से अम्मी सोचे यहीं से भाई के यहाँ से नजदीक से जाना आना करेंगे। तो आज भाई का बर्थडे, मेरे भाई को आज दुआ दीजिए, आज उसका बर्थडे है। एक छोटा सा हम लोग ने सेलिब्रेशन करने का सोचा, तो मैं अभी आप लोगों ने देखा ना मैंने गिफ्ट पैकिंग किया मेरे भाई के लिए। कौन सा गिफ्ट है आप लोगों को पता है ना, मेरा भाई जिंदगी भर अगले साल भी याद रखेगा गिफ्ट। और वापस से दो गिफ्ट एक और लिए हूँ यहाँ से मार्केट से भी। तो चलो भाई आएगा तो बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम मिलते हैं आपसे। असर यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो यहीं पे था, बोलते ही मम्मी मामी की आ जाती, इसका मन ही नहीं रखता, इधर ही आता रहता है। चलिए आपसे बाद में मिलती है भाई आने के बाद। तो भाई की जो बेटी है यानी मेरी बड़ी भतीजी, उसने गिफ्ट लेके आई है भाई के लिए, तो देख सकते भैया। वालेकुम सलाम। आज मेरे भाई का बर्थडे है और दुआ करिए आप लोग सभी मेरा भाई बहुत जिंदगी में आगे कामयाबी करे, उसके साथ सब ठीक हो जाए। तो अभी भतीजी बर्थडे गिफ्ट दे रही है भाई को पहले, क्योंकि केक काटने से पहले वो चाहती है कि भाई वो कपड़ा कुछ जो भी लाई है वो वेयर करे। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बहुत अरमानों के साथ ये दोस्तों ये भाई की व्लॉगिंग चल रही है। गिफ्ट मेरे लिए लाई है, लेकिन मैं मेरी बेटी के लिए क्या मेरा पकड़ती, वो तू खोल ले। नहीं, तो भाई यहाँ पे व्लॉगिंग भी कर रहा है उसकी वीडियो की, चैनल की। तो चलो अभी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग कर रहा है भतीजी का गिफ्ट। अगले महीने असद का, अरे क्या बच्चे का कह दी। ओहो, तो भतीजी ने ये कपड़े दिलाई, शॉर्ट है। चलो दिल से लाए, एक बार पहन के देख ले। तो मेरी भतीजी ने बड़े अरमानों से दिल से अपने डैडी के लिए पैसा जमा कर करके गिफ्ट लाई है। कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है ना। एक्चुअली इन लोग क्यों कर रहे हैं मालूम, मैं आपको बता देती हूँ, ताकि अगले टाइम है ना इन लोगों को उससे बेहतर मिले, इसलिए ये लोग पैकिंग करते हैं। हर टाइम तो डैडी मनाते ही हम लोगों का। चलिए अल्लाह का शुक्र इतनी समझदार है मेरी भतीजी के, उतना करती है थोड़ा थोड़ा। उसको ये कैसे, अभी वो बड़ी हो रही है, जैसे जैसे तो उसको जिम्मेदारी समझ में आती है कि डैडी को क्या लेना है क्या नहीं।
छोटी सी कोशिश की उसने अपनी तरफ से पॉकेट मनी जमा करके। हमारा जो गिफ्ट है ना पैकिंग करने के टाइम पे, ये देखिए हाँ फिटिंग तो हो रहा है, थोड़ा एक साइज वो कर लेना। असद गिफ्ट एक देगा और एक रेहान देगा। छोटी वाली भतीजी ने भी अच्छे लग रहे, सब गिफ्ट लाए एक एक करके। मुस्कान पीछे क्या छुपा रही है, डैडी को क्या लाएगी? डैडी आप पागल तो नहीं? अभी मेरे क्या लाई? ओह क्या बात है, डैडी के लिए सरप्राइज। मेरी छोटी भतीजी यहाँ नाराज हो गई मेरे से, उसने उड़ाना। बोलो कोई बात नहीं, चलो आज वो डैडी के साथ केक काटेंगी। देखो सब लोग देख रहे ना बेटा, नाराज नहीं होने का। चलिए ये केक काटते हैं, डैडी के साथ रहेंगी। चलो यहाँ खड़े जाओ इसके लिए। चलो दादी को खिलाओ। गाइज आप लोग कमेंट्स में मेरे भाई को विश जरूर करिए, आज का बर्थडे है। माँ को खिलाया, मेरे को केक खिला लिया। अरे जरा सा ही दे। तो गिफ्ट देने की बारी आ गई, सबको खिला दिया। खिला दे मम्मी को। चलो मुस्कान अंदर इधर आओ, खाई खाई को खिला बाबा। खा तुम भी, आज बर्थडे है भैया। पूछ रहा ही नहीं। अरे दे 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 दे। आसो भाई को निकाल, अब पहला एक एक गिफ्ट रेहान की बारी है। तो गाइस बहुत मेहनत से आपने देखा होगा मैंने पैकिंग किया गिफ्ट, और मेरे भाई को दे रही हूँ। मेरे छोटी बारी बारी लेंगी सबसे गिफ्ट। पहले खोलना भी पड़ेगा, देखो सबके सामने। नहीं तू खोल, तू खोल। नहीं 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 नहीं, उसको मालूम है, उसको मालूम है। तू खोल, खोल ले, खोल खोल, तू खोल, खोल ले, खोल ले, खोल ले। नहीं आता तो भैया क्या हो सकता है इसमें? मेरा है, मेरा है। अच्छा अरे हाल इतना एक्साइटमेंट है। तो गाइज मेरे भाई का फाइनली ये गिफ्ट, पापा गिफ्ट आ जाओ ना, देखो ना गिफ्ट पैकिंग खुल रही है। यहाँ से खोल, यहाँ से ये पट्टी वाले से, यहाँ यहाँ से स्टार्ट को। हाँ हाँ गाइज आपके सामने मैंने खोली थी, आपको पता है भैया गिफ्ट नीचे एकदम लास्ट में है, यहाँ से ही खोल। लेकिन तो समझ गया भाई, वह गिफ्ट है, वह गिफ्ट खोल, खोलते रहे बेटा, खोल नीचे 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 उसमें, वो खोलते रहे। तो मेरे को मालूम है, इसमें नहीं, उसमें इसमें नीचे। अरे नहीं नहीं नीचे है गिफ्ट है भाई, अच्छा गिफ्ट है भाई, अच्छा गिफ्ट है। ये देखो खोल, हाँ तो खोल रहे हाँ, बस ये पार्सल घर के जमा कर ले सब। गाइस नीचे गिफ्ट है, आपको पता है ना? दो तीन चार पाँच पन्निया, देखो छह पन्निया। मैं नीचे गिफ्ट है रे, मैं नीचे और ये गाइस ये गिफ्ट था। कौन गिफ्ट है? हाँ तो ही तो देखा ना, वो जैसी पैकिंग रखी थी अभी भी समझ गया था ये कौन सा गिफ्ट रहेगा करके। चलिए कैसा लगा टी शर्ट देखते को भी मैंने लाया। तो गाइज मैंने सेकंड वाला गिफ्ट ये भाई के लिए लेके रखी थी। मतलब ये तूने लिया, असद ने लिया, असद पे मार। अरे मैंने लिया मैं। चले दोनों की तरफ से भैया, देखिए हाय तेरे तरफ से चॉकलेट थी ये, असद ने बहुत अच्छा लाया, पसंद है मुझे, बहुत अच्छा लाया है ना। इधर देख, इधर देख फोटो। तो गाइज मैंने अपने तरफ से कोशिश करी, टी-शर्ट पहन ले रहा हूं। तो भाई टी शर्ट पहन रहा है, और मैंने अपने तरफ से कोशिश की अपने भाई को थोड़ा हैप्पी बनाने के लिए। पापा कैसा अच्छा लगा ये गिफ्ट, प्रैंक वीडियो था थोड़ा गाइस, थोड़ा फनी था, अच्छा लग रहा है। देखो ये असद का टी शर्ट आया मेरे भाई के का, सीधा करो पीछे से। अरे हाँ तो पहन लिया ना, अच्छा लग रहा है, पीछे करो पीछे। अगले टाइम मैंने पहन के थी जींस के ऊपर जाना अच्छा दिखेगा। चलो मेरी चॉइस अच्छी लगी भाई को फाइनली। तो चलिए आप लोग सभी दुआ में याद रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दुआ में याद रखती हूँ, अभी निकलेंगे थोड़ी देर से। हम लोग भाई के लिए लाई थी, जो भी लाई थी कोशिश करी हमने।